हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करेंगे VLSM जी। VLSM मीन वेरिएबल लेंथ ऑफ सबनेट मास्क जी। अभी तक हमने सबनेटिंग के अंदर देखा, जितनी भी टेक्निक्स यूज हुई हैं उसके अंदर हमारे जो सबनेट मास्क की लेंथ है वो क्या थी? फिक्स थी जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से आती है जी कि हमारे पास क्लास सी का सबनेट है और हमसे कहा जाता है जी कि हमें होस्ट रिक्वायर्ड हैं 120, इसके अलावा हमें होस्ट रिक्वायर्ड हैं 60 और होस्ट रिक्वायर्ड हैं 30, तो मुमकिन है कि किसी भी कंपनी में ये उसकी तीन मुख्तलिफ ब्रांचेज हों, जहां पे उसको नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए 120 जी, और दूसरी ब्रांच में कितने चाहिए 60 जी, और थर्ड वाली ब्रांच में कितने चाहिए 30 जी। तो इट मींस कि मेरी रिक्वायरमेंट अब क्या कर रही है? वेरी कर रही है जी। जब मेरी रिक्वायरमेंट वेरी कर रही होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर FLSM नहीं चलेगी जी, तब हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे? VLSM जी। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हों तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने सबसे पहले जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना जी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो आपने बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आना जी। इसकी रीज़न क्या है अभी आपको इसका भी पता चल जाएगा जी। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे नंबर ऑफ होस्ट टोटल कितने चाहिए, तो ये मुझे 210 नज़र आ रही हैं, और कितने सब नेटवर्क्स हैं, ये किसी एक ब्रांच का होगा, ये किसी एक ब्रांच का होगा, ये किसी एक ब्रांच होगा, तो तीन सबनेट निकल आएंगे। एक सबनेट के अंदर कितने आईपीज होंगे 120, दूसरे सबनेट के अंदर कितने होंगे 60, और तीसरे सबनेट के अंदर फिर कितने आईपीज होंगे 30 जी। तो मुझे पता है कि 210 आईपीज मुझे रिक्वायर्ड हैं, और क्लास सी के अंदर ही चूंकि एक पोर्शन मेरा किसका होता है? होस्ट का, और एक ऑक्टेट होस्ट से क्या मुराद है? 8 बिट्स, और 8 बिट्स से क्या मुराद है? 0 से 255, यानी कि 256। तो 256 में से मैं 210 आईपीस बड़े आराम से निकाल लूँगा जी। तो कैसे करेंगे जी, देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे कितने होस्ट निकालने हैं 120 जी, तो मैं अपनी होस्ट पोर्शन को क्या कर लूंगा? बिट वाइज कर लूंगा जी। तो अगर मुझे 120 चाहिए तो अब हमें पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या निकलेगी जी। तो n की वैल्यू यहां पे 7 निकलेगी, जो कि हम फारेस्ट टू नेटवर्क से काउंट करेंगे और छोड़ देंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने छोड़ देनी है। तो हमने बोरो कितनी की? 1 ही, तो कितनी बिट्स बोरो की? 1, और 1 बिट बोरो करने का मतलब है कितने कम्बिनेशन बनेंगे? 2, और वो क्या होंगे? 0 एंड 1 जी। तो अगर हम 0 को फॉलो करें जी, तो 192.168.1.0 जी। अगर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन को फॉलो करूं तो कौन सी वैल्यू है जी? 127.128, तो उस अगले सबनेट से एक कम, पहले सबनेट का आपका हमेशा क्या होता है? BID, और ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं जी।
तो 120 होस्ट के लिए जो एक सबनेट निकला जिसके लिए मैंने एक बिट बोरो की स्लैश 24 के साथ, ये बाय डिफॉल्ट होता है, एक बोरो करने से क्या हो गया 25G। तो ये इसका क्या हो गया नेटवर्क आईडी, और ये इसका क्या हो गया BIDG। तो वैलिड नंबर ऑफ होस्ट क्या हो गए, एक से लेकर 126 जी। मुझे कितने चाहिए थे 120, तो इसमें से 120 मेरे निकल रहे हैं जी। तो स्लैश 25 का क्या मतलब है, 24 का तो हमें पता है जी, 255 255 255। तो 25वीं बिट हमने कौन सी ली, 128 जी। तो वो 25वीं बिट ऑन होने से मेरा सबनेट मास्क क्या हो गया 128 जी। तो इसके अंदर मेरे 120 होस्ट निकल आए हैं जी। अगर हम देखें तो क्लास सी के अंदर एक पोर्शन मेरा किसका है, होस्ट का, जो कहां से कहां तक जाता है, 0 से 255 जी। उसमें से मैंने एक ब्रांच को कितने आईपीस एलोकेट कर दिए हैं, 0 से लेकर 127 तक जी। अब मेरे पास जो आईपीस पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 128 से 255 तक जी। अब कुछ अर्सा के बाद अगर मुझे जरूरत पड़ती है कि मुझे कितने और आईपीस चाहिए, 60, तो मेरे पास अभी कितने पड़े हुए हैं, 128। तो मैं फर्दर अपने उन्हीं वेस्ट ऑफ द आईपीस में से भी ये 60 निकाल सकता हूं। कैसे, मेरे पास ये सबनेट जिसकी मैं ऑलरेडी सबनेटिंग कर चुका हूं और वो आज 24 का नहीं रहा क्योंकि उसकी मैंने सबनेटिंग कर दी हुई है, 24 से 25 तक एक बिट मैंने किसी एक ब्रांच में 0 से लेकर 127 तक के आईपीस एलोकेट कर दिए हुए हैं। तो ऑलरेडी ये मेरा नेटवर्क क्या है, सबनेटेड। तो VLSM बेसिकली सबनेटिंग ऑफ सबनेटेड नेटवर्क है जी। इसका मतलब FLSM के अंदर जो हमारी थोड़ी बहुत भी वेस्टेज होती थी, हम VLSM के अंदर वो भी कम कर रहे हैं जी, हम उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब मुझे कितने आईपीस दरकार है, 60 जी। तो हम फिर उसी तरह होस्ट से फर्दर तो 60 के लिए अब n की वैल्यू क्या निकलती है, 6। तो हम काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, और इन्हीं बिट्स को हमने क्या करना है, छोड़ देना है। और 25वीं बिट तो ऑलरेडी किस में है, नेटवर्क में है, और जो बिट नेटवर्क में होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑन होती है जी। तो फर्दर हमने कितनी बिट्स बोरो की, 1 जी, और उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 0 एंड 1 जी। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को अब लूं तो हमारे पास क्या नेटवर्क आईडी आती है जी, अगर देखें तो सिर्फ 128 की वैल्यू ऑन है जी, बकाया 64 क्या है, ऑफ है। तो यहां पे क्या आ गया, 128 जी। अगर आप पहले सबनेट को देखें तो वो खत्म कहां पे हो रहा था, उसका BIDG क्या है, 127। तो डेफिनेटली आपका अगला सबनेट जो है वो 128 से ही स्टार्ट होना चाहिए जी। स्लैश 25 मेरे पास पहले ही था, सबनेटिंग नेटवर्क की मैंने दोबारा से सबनेटिंग की जी, ताकि मेरे पास जो आईपीस पड़े हुए थे वो जाया ना हो, मैं उन्हीं में से आईपीस निकाल रहा हूं थ्रू VLSM जी। तो 25
के साथ वो पहले था, एक बिट मैंने फर्दर बोरो की, अब स्लैश किया आ गया 2060। अगर मैं इस कम्बिनेशन की तरफ जाता जिसमें 128 और 64 दोनों बिट ऑन हैं, तो ये वैल्यू क्या बनती है 192G। लिहाजा ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है जी, 191 तक जी। तो मेरे इस सबनेट का ये क्या हो जाएगा नेटवर्क आईडी, ये क्या हो जाएगा BID जी। और मेरे पास वैलिड आईपीस कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, 129 से लेकर 190 तक जी। तो मुझे नंबर ऑफ होस्ट कितने दरकार थे 60, लेकिन मेरे यहाँ पर कितने आईपीस निकल रहे हैं 62, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। और स्लैश 26 का सबनेट मास्क क्या है, 24 उसी तरह 255 255 255, दो बिट्स मैंने फर्दर बोरो की अब, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बोरोड थी 128 वाली जो कि ऑन थी, अब उसके साथ कौन सी बिट भी नेटवर्क का हिस्सा बन गई है 64, तो अब सबनेट मास्क क्या हो गया 192 जी। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो आईपीस पड़े हुए थे 128 से 255, उनमें से भी मैंने 128 से लेकर 191 तक आईपीस क्या कर दिए, एलोकेट कर दिए। तो मेरे पास 0 से 255 था, अब यानी कि 0 से लेकर 191 तक मैंने दो अपनी ब्रांचेस को आईपीस एलोकेट कर दिए। अब मेरे पास जो आईपीस पड़े हुए हैं वो क्या है, 192 से लेकर 255 तक, यानी कि 64 आईपीस अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और मुझे अब कितने दरकार हैं 30, तो वो 30 आईपीस भी मैं अपने रेस्ट ऑफ द जो आईपीस हैं उनमें से निकाल सकता हूँ। आइए देखते हैं कि होस्ट जो 30 हैं अब वो कैसे निकालना है जी। सो अब हमें कितने आईपीस चाहिए 30 जी, तो 30 के लिए हम फिर होस्ट को बिटवाइज कर रहे हैं, तो 30 होस्ट के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी अब 5G, तो 1 2 3 4 एंड 5G। तो ये दोनों बिट्स तो ऑलरेडी, अब मेरा सबनेट क्या हो गया हुआ जी, ऑलरेडी क्या है 26 है, क्यों, क्योंकि हम इसमें से 120 आईपीस भी निकाल चुके हैं, अब हम इसमें से 60 आईपीस भी निकाल चुके हैं, तो यहां पर आकर वो सबनेट अब क्या हो गया हुआ है 26 जी, जबकि यहां पे आगे वो सबनेट कितना हो गया था 25G, जबकि यहां पे वो कितना था 24G। तो फर्दर हमने कितनी बिट्स बोरो की, जस्ट 1, और उसके लिए फिर से कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 एंड 1। तो ये बिट्स तो हमारे पहले ही क्या थी, ऑन थी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है जी। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करें तो क्या है जी, 192 168 1 डॉट, देखें तो 192, तो इससे लास्ट वाला कहाँ पे ख़त्म हुआ था 191 पे, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ गया 192, और तब स्लैश क्या था 26। फर्दर आपने ये वाली बिट बोरो की थी और अब ये प्रीफिक्स लेंथ क्या हो गया 27। अगर मैं इसको फॉलो करूं तो जी, तो ये क्या बनता है 224 जी। लिहाजा ये कहां पे खत्म होगा 223 पर जी। तो ये इस सबनेट का क्या हो जाएगा नेटवर्क आईडी, ये इस सबनेट का क्या हो जाएगा जी BID। तो वैलिड आईपीस मेरे पास 193 से लेकर 222 तक है जी। तो मुझे कितने आईपीस दरकार थे 30, तो आप एग्जैक्ट कितने आईपीस निकल रहे हैं 30 ही निकल रहे हैं। और स्लैश 27 का सबनेट मास्क क्या है, तो 24 के लिए तो 3 times 255 भी आ जाएगा जी, और तीन बिट्स 128 64 192 + 32 224 जी, ये सबनेट मास्क आ गया जी। अगर हम देखें
समराइज करें तो 120 के लिए मुझे अपना प्रीफिक्स लेंथ क्या करना पड़ा, स्लैश 25G, फिर 60 आईपीस के लिए वो स्लैश वो सबनेट किस पे मूव कर गया, 26 पर जी, और फिर 30 के लिए अब मेरे पास जो सबनेट हो गया वो क्या हो गया, 27। इट मींस कि अब मैंने 192 से लेकर 223 तक भी आईपीस क्या कर दिए हैं, असाइन कर दिए हैं, तो अभी भी मेरे पास क्लास सी का रेस्ट ऑफ द आईपीस पड़े हुए हैं, और वो क्या है, 224 से लेकर 255, यानी कि अभी भी मेरे पास 32 आईपीस हैं। अगर मुझे कल को 32 से भी कम की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं इसी में से फर्दर आईपीस निकाल लूँगा जी। और अगर अब हम देखें तो मेरा सबनेट मास पहले 25 था, फिर क्या हुआ 26 हुआ, फिर क्या हुआ 27 हुआ, तो ये अब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है जी, अब ये फिक्स्ड नहीं है जी, और इसमें हमारी आईपी की वेस्टेज मज़ीद क्या हो रही है, कम हो रही है जी। थैंक यू वेरी मच जी।